लोकसभा चुनाव का माहौल है और ऐसे में राजनीति गरमाई हुई है। पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं और बात जब राजधानी दिल्ली की हो तो क्या ही कहने, क्योंकि आप नेताओं को लेकर पहले ही घमासान मचा हुआ है और अब इसके कैंपेन सॉन्ग पर बवाल मच गया। आपने अपने चुनावी कैंपेन सॉन्ग जेल के जवाब में हम वोट देंगे को चुनाव आयोग की ओर से बैन किए जाने का आरोप लगाया है, तो वहीं आयोग ने पार्टी के इस चुनावी कैंपेन को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 का उल्लंघन बताया है और इसमें कमियां पाई हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है और उनकी ओर से प्रचार का जिम्मा संभाल रखा है उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने। अब आप पार्टी का सॉन्ग भी इसी पर है, जेल के जवाब में हम वोट देंगे। 2 मिनट के इस गीत को पार्टी की ओर से प्रचार के लिए रिलीज किया गया था। इस गीत को पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने लिखा था। पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग की ओर से इस गाने को बैन कर दिया गया है और उसमें कहा गया है कि वो पार्टी के प्रचार में इस गाने का इस्तेमाल ना करें। इस सॉन्ग पर खूब हंगामा मच रहा है। चुनाव आयोग की ओर से जवाब दिया गया कि पार्टी को इस गीत को लेकर केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत निर्धारित विज्ञापन संहिता और प्रमाणन के लिए 24 अगस्त 2023 को जारी एक पत्र के माध्यम से प्रसारित आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार कुछ संशोधनों के साथ प्रस्ताव फिर से जमा करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि इस गाने में कुछ तस्वीरें और वाक्य आपत्तिजनक हैं। इसमें बिना तथ्यों के सत्ताधारी दल पर आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा न्यायपालिका और पुलिस पर भी शक जताया गया है। चुनाव आयोग ने इस गाने को लेकर 8 आपत्तियां बताईं। कहा कि हमारी ओर से इस गाने पर बैन नहीं लगाया गया है, इसे कैंपेन में दूसरे दलों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो वहीं दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालयों ने आपके इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगाने के दावों को सिरे से खारिज किया है। चुनाव आयुक्त अधिकारी के कार्यालय के सूत्र ने बताया कि हर राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में एक कमेटी काम करती है, वही चुनाव प्रचार सामग्रियों पर नजर रखती है। तो वहीं आप नेता लगातार सरकार पर हमलावर हैं, देखिए। सिर्फ तानाशाही सरकारों में होता है कि विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल देते हैं। तानाशाही सरकारों में यह भी दूसरा लक्षण होता है कि विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोका जाता है, और आज यही हुआ है भारतीय जनता पार्टी के एक और राजनीतिक हथियार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने इस पत्र के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रोक लगाई होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।